इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, और फिसल गया। ये तूने क्या किया? जी हाँ दोस्तों, मेरा गूगल कर रहा है डांस इधर चला उधर चला, लेकिन ये कैसे मैंने बनाया, ये कैसे होता है, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ये गूगल की कुछ अमेजिंग वेब पेजेस जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले आ चुका अपने क्रोम ब्राउजर में, जहाँ पे मैंने गूगल वेबसाइट विजिट की है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गूगल वेबसाइट विजिट की, और तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है गूगल स्पेस। गूगल स्पेस लिखने के बाद आपको एंटर नहीं करना है, टैब बटन प्रेस करना है। जी हाँ, टैब बटन प्रेस करना है, और उसके बाद ये यहाँ से मतलब कर्सर हट जाएगा और आई एम फीलिंग लकी पे आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हर एक गूगल सर्च में रहता है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है गूगल स्पेस से रिलेटेड। वाओ, मेरा गूगल तो हिलने लगा और मैं माउस से इसे उठा के इधर फेंक सकता हूँ। वाओ, इधर चला, फिर से ये डांस करने लगा है। कहीं पे भी आप इसे फेंक सकते हैं और ये दिखाई दे रहा है आपको, सभी ऑप्शन इधर उधर बिखर रहे हैं। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग है ये। आप किसी भी फ्रेंड को दिखा के उसको बना सकते हैं कि अरे ये कैसे बनाया है? बताओ जरा, उसको उल्लू बना सकते हैं आप। ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ। किसी को भी परेशान करना है या किसी को भी इस तरह से आपका स्मार्टनेस दिखाना है तो ये काफी यूजफुल रहेगा कि ये आपने कैसे बनाया, ये उनको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो ये एक ट्रिक्स पहला तो था। तो दोस्तों इतना ही नहीं है, चलिए आगे बढ़ते, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। गूगल स्पेस के साथ साथ अगर आप गूगल ग्रेविटी यहाँ पे लिखते हो तो किस तरह से आता है। गूगल ग्रेविटी मैं लिखता हूँ और आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करता हूँ। लेट्स लुक एट दिस वन। इसमें तो वाओ, ये तो पूरा गिर गया, ये स्पेस की तरह ही है लेकिन ये नीचे गिरते रहेगा। ये गूगल वैसे ही है जैसे कि स्पेस में हम लोग कर रहे थे, इसे इस तरह से इधर उधर मूव कर सकते हैं हम लोग। इसमें सर्च बार भी है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो गूगल में चला जाएगा, आप कुछ भी सर्च करोगे। जैसे मैं यहाँ पे क्रिकेट सर्च कर देता हूँ, CRICKET, एंटर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एंटर नहीं होगा, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना होगा आपको। सर्च पे क्लिक करने के बाद गूगल ही दोबारा विजिट हो जाएगा दोस्तों। तो ये सेकेंड मैंने बताया आपको गूगल ग्रेविटी। चलिए तीसरा बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे गूगल ऑटर। गूगल ऑटर ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। टैब बटन प्रेस कीजिए, आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक कीजिए। वाओ, नाउ आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ये टाइप जो है इसे हटा देना है। मतलब आपको यहाँ पे लेटर टाइप करना है, यहाँ पे बैकस्पेस करना है, पहले ये हटा देना है पूरे लेटर्स। अब यहाँ पे मैं मेरा नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया सतीश, और एंटर बटन टाइप कर देता हूँ। वाओ, कैसे वेव तैयार हो रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। माउस क्लिक करेंगे तो भी इस तरह से वेव यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। जैसे ड्रॉप पानी गिर रहा है, जैसे बारिश गिरती है वैसे वो बूंद वहाँ पे गिर रही है और आपको दिखाई दे रहा है। ये आप कोई नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने टाइप किया लर्न मो, ये काफी बड़ा नाम है, एंटर कीजिए। वाओ, कैसे वेव आ रहा है। तो यहां पे इस तरह से गूगल वाटर का इफेक्ट है दोस्तों, और ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपको देखने के लिए। उम्मीद करता हूं ये पसंद आएगा। इसका कोई यूज तो नहीं बता सकता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक मजेदार है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर से मैं गूगल में चला जाता हूं, यहां पे लिख रहा हूं गूगल, यहां पे लिख रहा हूं डू अ बैरल बॉल। यस, डू अ बैरल बॉल लिखता हूं और मैं यहां पे इसे एंटर करूंगा तो भी चलेगा। आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करूंगा तो भी चलेगा, इसमें तो चलेगा आई एम फीलिंग लकी। इस तरह से वाओ, आपका गूगल सर्च किस तरह से रोटेट हो रहा है। हालांकि यहां पे कुछ ऐड आती रहेगी क्योंकि ये जो है अलग सा el.im ये वेबसाइट इस तरह से विजिट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। और इसके अंदर ये बहुत सारे पेजेस अवेलेबल, जैसे गूगल मिरर है, अंडर ऑर्डर है, ग्रेविटी है, टर्मिनल है, बस इसके ऊपर ऐड आती रहेगी दोस्तों। ये आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये एक अलग सा उनका वेब ब्राउजर, अलग सा वेबसाइट है जिसके गूगल का पूरा उल्टा है, ELGOOG, दिखाई दे रहा है आपको। गूगल उल्टा लिखेंगे तो भी आपको इस तरह से मिलेगा। गूगल मिरर देखेंगे, गूगल मिरर आ जाएगा, या गूगल ग्रेविटी यहाँ पे है, टर्मिनल है। पैकमैन एक गेम था पुराना जो आपको पता रहेगा, पैकमैन आपको पता रहेगा, आपने खेला रहेगा। इस तरह से गेम यहाँ पे गूगल में आप खेल सकते हैं। गिटार भी है गूगल में, स्नेक गेम भी है जो पुराना आप नोकिया के मोबाइल में देखते थे या खेलते थे, बहुत फेवरेट गेम रहेगा आपका ये। मैं भी बहुत खेलता था जब नोकिया मोबाइल मेरे पास रहता था, तो ये गेम आपका भी फेवरेट रहेगा। यहाँ पे ये गेम भी आप मिस कर रहे हो तो खेल सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ ये एड आती रहेगी क्योंकि ये वेबसाइट्स जो है मैंने आपको बताया ये गूगल की नहीं है, ये एक सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है, ये दिख रहा है सर्च इंजन की तरह, लेकिन ये गूगल का इस तरह से उल्टा आ रहा है ELGOOG.IM। ओके, चलिए बैक कर लेता हूं मैं यहाँ पे, तो वापिस आ चुका हूं गूगल में और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं गूगल रेनबो। जी हाँ, गूगल रेनबो लिखा देता हूं मैं आपको। गूगल रेनबो किस तरह से आएगा, गूगल रेनबो
इस तरह से आएगा, ये रहा, वाओ काफी अमेजिंग इंटरेस्टिंग। ओके, गूगल रेनबो आपको इस तरह से दिखाई देगा, तो ये भी एक इफेक्ट है गूगल के साथ, आप कर सकते हैं, आप किसी को भी बोल सकते हैं गूगल रेनबो इस तरह से आता है क्या, दिखाओ। मैं बैक कर देता हूं यहां पे, वापस गूगल में आ जाता हूं। मैं आगे लिख रहा हूं गूगल जूनियर। जी हाँ, गूगल जूनियर जो होता है ये गूगल सर्च अवेलेबल है, लेकिन ये गूगल जूनियर एक गूगल सर्च अवेलेबल है, लेकिन ये है बच्चों के लिए। जी हाँ, आप जब आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है जूनियर सेफ सर्च फॉर किड्स। जूनियर सेफ सर्च यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो सर्च होगा ज्यादातर किड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्च होता है। आप वर्ड ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे, टूडे इन हिस्ट्री, अगर आप टूडे इन हिस्ट्री में क्लिक करोगे तो यहाँ पे टूडे से रिलेटेड जो इवेंट्स है पूरे वर्ल्ड में जो इवेंट्स रहते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी के लिए काफी अच्छा सर्च है जिसे जूनियर सेफ सर्च बोलते हैं। तो इसमें ज्यादातर स्टडी से रिलेटेड कंटेंट सर्च करते हैं। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ब्राउजर्स पे गूगल ना रखें, जूनियर सेफ सर्च रखेंगे तो वेल एंड गुड, ताकि उनको जूनियर सेफ सर्च में इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। और इस तरह से एक सर्च ब्राउजर है जो कि आपको सेफ सर्च देता है किड्स के लिए। आपको पता है गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो कोई भी अनाप शनाप चीजें जैसे अडल्ट कंटेंट भी आते हैं गूगल पे, तो आपके बच्चे अडल्ट कंटेंट ना देखे, इसलिए आप जूनियर सेफ सर्च यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए यूजफुल रह सकता है। तो इस तरह से ये गूगल के कुछ अमेजिंग ट्रिक्स, अमेजिंग व्यूज आपको अलग अलग मैंने बताए जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आप शेयर करेंगे आपके दोस्तों के साथ उम्मीद करता हूं, और आपके दोस्तों को बनाएंगे। और काफी मजेदार ट्रिक्स रहेंगे जब आप आपके दोस्तों के साथ ये शेयर करोगे, तो उनको आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया, बना के दिखाओ। आप आपके ऑफिस के कलीग के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और मेरा ये वीडियो सबके साथ शेयर करेंगे उम्मीद करता हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं एक्सेल, एक्सेल एम आई एस, कंप्यूटर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अमेजिंग ट्रिक्स और बहुत कुछ है मेरे चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लो और नई नई चीजें सीखने का मजे ले लो। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।